पूरी दुनिया में हर साल कई चक्रवात या तूफान आते रहते हैं, जिससे बाढ़, भूस्खलन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इन समस्याओं से जान माल की काफ़ी क्षति होती है। पर क्या आपको पता है क्या होता है चक्रवात या तूफान और इसका नाम कैसे रखा जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। हाल ही में आपने देखा होगा, भारत में अम्फन और निसर्ग जैसे खतरनाक तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई। तो आइए जानते हैं ये तूफान क्या होते हैं और कैसे आते हैं। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवा को चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करती है। पर उत्तरी गोलार्ध में इन्हीं गर्म हवा को टाइफून या फिर हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती हैं। ये चक्रवाती तूफान स्पाइरल फॉर्म में इतनी तेजी से घूमते हैं कि इनकी रास्ते में आने वाले हर एक चीज तहस नहस हो जाती है। ये तूफान कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से पैदा होते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से है। जब समुद्रों के ऊपर की हवा सूर्य की ऊष्मा से गर्म हो जाते हैं तो वह तेजी से ऊपर उठने लगते हैं और उसके जगह पर ठंडी हवा आना चाहती है। पर अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने के कारण हवा का रुख तो पहले अंदर की ओर मुड़ जाता है और फिर हवा तेजी से घूमने लगती है। जब हवा की गति अत्यधिक तेज हो जाती है तो हवा घूम घूम कर नाचने वाली एक बड़ा घेरा बनाने लगती है और इस तरह से चक्रवात आता है। एक खास बात कि इस गोल गोल घूमते हुए बवंडर का सेंटर शांत होता है, जिसे आई ऑफ स्टॉर्म कहते हैं। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि इस तरह पैदा हुए चक्रवात में कोई बादल तो नहीं होते, तो बिना बादल के बरसात कैसे होने लगती है? इसका कारण है कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो अपने साथ हवा में मौजूद नमी को ऊपर ले जाती है और ये नमी के कण हवा में तैरते हुए धूल के कणों में जमते जाते हैं और ये संघनित होकर गर्जन मेघ बना लेते हैं। और जब बादल अपना वजन संभाल नहीं पाते तो बरसात के रूप में गिरने लगते हैं। ये बरसात इतनी अधिक मात्रा में होती है कि मानो एक मेट्रो सिटी में होने वाली साल भर की बरसात एक साथ हो गई, क्योंकि चक्रवाती हवा एक सेकंड में 20 लाख टन हवा खींच लेते हैं, जो कि एक बड़ा भयानक बादल बनाता है और भयानक रूप से बरसता है। इस बरसात के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण पूरे इलाके को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तूफानों के कुछ नाम रखे जाते हैं, जैसे कि फनी, अम्फन, निसर्ग इत्यादि। तो आइए जानते हैं ये नाम कैसे रखे जाते हैं। विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की प्रोसेस के अनुसार साइक्लोन का नाम रखा जाता है। 8 उत्तरी भारतीय समुद्री देश, जिसमें भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, एक साथ मिलकर तूफान के 64 नाम रखते हैं, जिसमें हर देश 8 नाम सुझाता है। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है तो उन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उसका क्रम तय किया जाता है और उसी हिसाब से चक्रवाती तूफान का नाम रखा जाता है। इन चक्रवाती तूफानों की नाम रखने की प्रक्रिया सन 2004 में शुरू हुई। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।